सर्वांना विनंती केलेली आहे की कोविडचं पालन करा, त्या सर्व दृष्टिकोनातून जरी तुम्हाला पूजा अर्चा सर्व करायची असेल तरी तुम्हाला नियमांचं पालन काटेकोरपणे केलं पाहिजे। दिसंबर के दिन ईसाई समुदाय के भगवान यीशु के जन्मदिन के रूप में दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के पूर्व संध्या पर चर्च में प्रेयर रखी जाती है। कोरोना काल में धार्मिक स्थल बंद होने के चलते लोगों को घरों में रहकर प्रार्थना करनी पड़ रही थी, मगर अब जब कोरोना के मामले कम हैं, तब ऐसे में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर चर्च में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित नजर आए। घनसोली स्थित अवर लेडी ऑफ फॉरसेकन चर्च में पूर्व सांसद संजीव नाइक ने भेंट देकर ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के उपलक्ष में चर्च को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था एवं लोग प्रार्थना में लीन थे। अपनी भावना व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं था एवं लोग अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ गए थे, मगर आज जब मरीजों की संख्या कम है तो ऐसे में लोग इकट्ठा आकर क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्रिसमस के नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। निश्चितपणे आपल्याला कल्पना आहे की मागची 2 वर्ष आपण सर्वच लोक कोविड मध्ये आहोत। कुठलाही समाज, जात, धर्म, पंथ, भाषा, वर्ण याला काही अपवाद राहिला नाही। माणूसच याच्यामध्ये, या पृथ्वीवरचा सर्व माणूस बेजार आहे, परंतु भगवानाला, भगवंताला, देवाला, येशूला, अल्लाला, सर्व धर्माच्या देवांना आपण प्रार्थना करू की हा कोविड इथून दूर व्हावा। आणि आज ज्या पद्धतीने सर्व लोक या ठिकाणी जमा झाले आहेत, आम्ही सर्वांना विनंती केलेली आहे की कोविडचं पालन करा, त्या सर्व दृष्टिकोनातून जरी तुम्हाला पूजा अर्चा सर्व करायची असेल तरी तुम्हाला नियमांचं पालन काटेकोरपणे केलं पाहिजे। मी सर्व आपल्या ख्रिस्ती बांधवांना, सर्व नवींबीकर आपल्या जनतेला या ठिकाणी क्रिसमसच्या खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो की आपल्या जीवनामध्ये येशू आनंद घेऊन येऊ आणि आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये असंच आरोग्यमय, फलदायी असं जीवन जगू, अशी सर्व आमच्या ख्रिस्ती बांधवांना शुभेच्छा व्यक्त करतो। आगे उन्होंने ये भी कहा की ओमिक्रॉन के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा जो नियमावली घोषित की गई है, त्योहारों के समय उन नियमों का पालन करे एवं कोविड की रोकथाम करे, ऐसा संदेश भी उन्होंने दिया। कोविड हळूहळू वाढतोय, आपण सर्वांनी काळजी घ्या आणि सरकारचे जेवढे नियम, जेवढे काही त्यांचे अटी, त्यांचे आलेले सर्व जे काही परिपत्रक आहेत त्यांचं पालन करा आणि सर्वांनी सुरक्षित राहा। ब्युरो रिपोर्ट, द मेट्रो।